Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ये आपका इंग्लिश का लेक्चर है मेरे साथ. इसमें आज हमने पढ़ने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं आप सब पहले पढ़ चुके होंगे. हम इसको रिव्यू कर लेते हैं ताकि जिन बच्चों की ग्रामर अच्छी नहीं है, मोस्टली जिनमें जो आए हैं बच्चे उर्दू मीडियम से, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट करें अच्छे तरीके से पढ़ना ताकि उनकी ग्रामर अच्छी हो, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा हो, ठीक है. पार्ट्स ऑफ स्पीच उनके अच्छे हों तो उनको इंग्लिश बोलनी अच्छी है, इंग्लिश लिखनी अच्छी है, अच्छे तरीके से इस पर मेहनत करें. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे हैं. ओवरव्यू इसका ये है कि इन दिस चैप्टर यू विल रिव्यू और लर्न अबाउट एडजेक्टिव्स. आठ तरह के हैं जी पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें आते हैं जी. ये मैंने अल्फाबेटिकली अरेंज किए हुए हैं. एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, नाउंस, प्रपोजिशंस, प्रोनाउंस एंड वर्ब्स. In this chapter, you will review parts of speech so that you have a standard way to describe how words are put together to create meaning. ठीक है, या आपको इसलिए सिखाया जाता है ना, आपको ये पता चले कि एक वर्ड्स को कैसे किस तरतीब में रखना है ताकि कोई आप जो आप बताना चाह रहे हैं बात उसका मतलब समझा सकें. द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर ईजी रेफरेंस. यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको यानी ए बी सी के लिहाज से अल्फाबेटिकली से अरेंज किया गया है. द लेटर चैप्टर्स यू विल लर्न हाउ टू करेक्ट द एरर्स कॉजिंग बाय मिसयूजिंग दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच. आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि हमने एरर्स को कैसे करेक्ट करना है, यानी आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा या आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे क्या गलती है. जब आपको अच्छी तरह से आते होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे वहाँ पे एरर. Getting started, English is a very flexible language. A word meaning is derived not only from how it is spelled and pronounced, but also from how it is used in a sentence. As you review these parts of the speech, remember that the way a word is used in a sentence determines which part of speech it is. For example, अच्छा इस पैराग्राफ में वो ये बता रहे हैं कि हम एक ही वर्ड को हम बाज़ोकात एज अ वर्ड भी यूज़ कर रहे होते हैं, बाज़ोकात एज अ नाउन भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो सेंटेंस में पता चलता है कि वो किस तरह से यूज़ हुआ है. ठीक है, एग्जाम्पल उसने आगे दी हुई है कि नाउन और वर्ब आपको पता है कि इसमें आ जाते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. नाउन में आई एट अ फिश फॉर डिनर, तो यहाँ पे जब उसने फिश जो कही ये चीज़ है खाने की चीज़ है, यहाँ पे ये एज अ नाउन यूज़ हो रहा है. अब ये सेंटेंस है वही फिश इन द लेक ऑन एवरी ट्यूजडे, यानी हम फिशिंग करते हैं, शिकार करते हैं फिश का, तो यहाँ पे काम जो आ रहा है ये एज अ वर्ब आ रहा है, यानी वो काम करते हैं. तो अब एक ही वर्ड को हम दो डिफरेंट किस्म के पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए यूज़ कर सकते हैं, एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले हम सबसे सिंपल चीज़ पढ़ेंगे वो है नाउन्स. अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ प्लेस, पर्सन और थिंग. ठीक है, नाम चीज़ है जगह के लिए जो यूज़ होता है वो हम कहेंगे नाउन होता है. नाउन कमिंग थ्री इन दीज वराइटीज़. अच्छा, नाउन की आगे क्लासिफिकेशन है, कॉमन नाउन्स होते हैं, प्रॉपर नाउन्स होते हैं, कंपाउंड नाउन्स होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, ये भी आगे हम पढ़ते हैं. कॉमन नाउन्स कौन से होते हैं? नेम एनी वन ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. यानी आप किसी के भी बारे में जनरली बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि ये एक शहर है, ठीक है, तो ये शहर कोई भी सिटी है तो वो एक कॉमन सा नाउन है. एक गर्ल है, लड़की, ठीक है, हम कह दिए कि एक लड़की है, ठीक है, वो भी कॉमन नाउन है. फूड, ठीक है, ये भी कॉमन नाउन में आ गया क्योंकि आपने स्पेसिफाई नहीं किया कुछ, सिटी का नाम नहीं बताया, वर्ल्ड का नाम नहीं बताया, फूड का नाम नहीं बताया, बिरयानी है या कोफ्ते हैं या क्या है, तो कॉमन नाउन्स जो है इसमें आ जाते हैं. प्रॉपर नाउन्स कौन से होते हैं? नेम अ स्पेसिफिक पर्सन. अब एक ख़ास चीज़ की बात हो रही है, ख़ास पर्सन या ख़ास प्लेस या ख़ास जगह की बात हो रही है. प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं वो ऑलवेज कैपिटलाइज होते हैं. ठीक है, फिर आ जाते हैं जी कंपाउंड नाउन्स. कंपाउंड नाउन्स आर टू और मोर नाउन्स दैट फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट. दो या उससे ज़्यादा जो नाउन्स हैं वो एक ही काम कर रहे हैं मिल के, ठीक है, तो वो आ जाते हैं जी कंपाउंड नाउन्स. नाम से पता चल रहा है आपको कंपाउंड का. अ कंपाउंड नाउन कैन बी टू इंडिविजुअल वर्ड्स, वर्ड्स जॉइंड बाय अ हाइफन और टू वर्ड्स कंबाइंड. अच्छा, ये तीन तरह से कंपाउंड हो सकते हैं. कैसे? या तो दो अलग अलग वर्ड्स होंगे, ठीक है, लेकिन उनका मतलब एक ही होगा, तो वो भी कंपाउंड नाउन्स हैं. या फिर दो वर्ड्स को आपस में हाइफन से जोड़ा गया. हाइफन आप सबको पता है ये डैश होती है, यहाँ पे यूज हुई है. या दो वर्ड्स जो हैं वैसे बिल्कुल साथ साथ जोड़ दिए, कंबाइन कर दिए, तो ये सारे क्या हैं? कंपाउंड नाउन्स हैं. सबसे पहले आता है इंडिविजुअल वर्ड्स में, देख लें टाइम कैप्सूल. अभी इसमें गैप है लेकिन ये एक ही बात कर रहे हैं, एक ही चीज़ की. फिर हाइफनेटेड वर्ड्स में आता है ग्रेट अंकल. अब अंकल की बात हो रही है और ग्रेट भी नाउन हो गया जी, अंकल भी नाउन हो गया, तो ये ग्रेट अंकल दरम्यान में हाइफन आ गया, तो ये क्या आ गए? कंपाउंड नाउन्स.
या तो कंबाइंड वर्ड्स में आते हैं बास्केटबॉल, ठीक है, बास्केट एंड बॉल दो चीज़ें हैं लेकिन इकट्ठी लिखी हुई हैं और दोनों ही नाउन है, तो ये भी क्या आ जाते हैं जी, कंपाउंड नाउन्स। फिर आते हैं कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स भी नाम से पता चल रहा है, नेम ग्रुप्स ऑफ पीपल और थिंग्स, कोई ग्रुप है चीज़ों का या इंसानों का, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन्स। इसमें आ जाता है जी ऑडियंस, ऑडियंस की बात होगी जहाँ भी हो गया होंगे, कलेक्टिव नाउन। फैमिली भी कलेक्टिव नाउन है। फिर आ जाता है हर्ड, हर्ड कहते हैं जानवरों का जैसे ग्रुप होता है, सेम लाइक हर्ड कहते हैं, यहाँ पर बकरियाँ दिखाई हैं। फिर आता है जी क्राउड, क्राउड यानी रश लगा हुआ है, तो ये भी क्या है, सारे कलेक्टिव नाउन्स में आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं जी पजेसिव नाउन्स। पजेसिव का मतलब आपको सबको पता है कि किसी की पोजेशन में होना, यानी किसी की जागीर होना। इन ग्रामर पोजेशन शोज ऑनरशिप, यानी कोई ऑनर होगा उसका। फॉलो दीज रूल्स टू क्रिएट पजेसिव नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स एड एन एपोस्ट्रॉफी एंड एन एस। ये आप पहले पढ़ चुके होंगे बिल्कुल। जैसे डॉग लिखा हुआ है तो आपने इसके बारे में बताना है कि ये इसकी कोई चीज़ है, यानी डॉग्स की, डॉग्स बोन, तो आप अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे और साथ में एस लगाएंगे। कोई भी सिंगल वर्ड है उसके साथ आप पोजेसिव नाउन ऐसे लगाएंगे कि अपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगा देंगे, ठीक है। तो डॉग्स बोन सिंगल है, ठीक है, इसके साथ पोजेसिव नाउन कैसे यूज़ होगा। अब यहाँ पर जो डॉग है ये सिंगुलर नाउन है, इसके अपोस्ट्रॉफी और एस लगा के हमने इसे बना लिया है पोजेसिव नाउन, ठीक है। डॉग बोन सिंगर है तो सिंगर्स अपोस्ट्रॉफी, सिंगर्स वॉइस, प्लूरल एंडिंग इन एस एंड एड एन अपोस्ट्रॉफी आफ्टर द एस। अगर हम प्लूरल की बात कर रहे होते हैं, जैसे डॉग्स आ गया, सिंगर्स आ गया, इन वो प्लूरल जिसके साथ एस आ रहा है, डॉग सिंगर्स, उसको आप कैसे यूज़ करेंगे कि अपोस्ट्रॉफी इसके बाद लगाएंगे, एस के बाद लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्क देखें आप, जब सिंगल था तो अपोस्ट्रॉफी लगा के फिर एस लगाया था, अब जब ये ऑलरेडी प्लूरल है और एस है एंड पे, तो हम अपोस्ट्रॉफी एस के बाद लगाएंगे, तो डॉग्स बोन सिंगर्स वॉइसेस। विथ प्लूरल नॉट एंडिंग इन एस एड एन अपोस्ट्रॉफी एंड एन एस। अब ऐसे प्लूरल, पहले हमने वो प्लूरल पढ़े हैं जिसमें एस आ रहा है एंड पे, अब ऐसे प्लूरल जिनके एंड पे एस नहीं आता, जैसे मेन है या माइस है, तो उसके साथ क्या करेंगे, अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे और एस लगाएंगे और बना लेंगे हम पोजेसिव नाउन, मेंस, माइसेस, मेंस, या फिर पोजेसिव नाउन। फिर आ जाते हैं प्लूरल नाउन्स। हियर आर द गाइडलाइंस फॉर क्रिएटिंग प्लूरल नाउन्स, एड एस टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ द मोस्ट नाउन्स। हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, एस ऐड कर देंगे सिंपली, कैट के साथ कैट्स आ जाएगा, कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर्स आ जाएगा। फिर एक और तरीका ये होता है कि ई एस ऐड करते हैं, किसके साथ, एस एस एच सी एच और एक्स वगैरह के साथ, इस तरह से, किस तरह, अगर विश आया, ठीक है, एस एच तो विशेज कर देंगे ई एस, इंच आया यहाँ पे सी एच तो ई एस लगा के इंचेस कर देंगे, और इसी तरह बॉक्स आया यानी एक्स पे एंड हो रहा है तो ई एस लगा के बॉक्सेस कर देंगे, ठीक है। एक ये, फिर आपने इंच को इंचेस कर दिया यानी इसको प्लूरल नाउन बना दिया, इंचेस, विशेज, बॉक्सेस, दीज आर ऑल द प्लूरल नाउन्स। अच्छा, फिर आता है अगर नाउन कोई एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट वाई में, चेंजेस द वाई टू आई एंड ऐड ई एस। सिटी के एंड पे वाई आ रहा है तो वाई को हटा के आई ई एस लगा देंगे, वाई को हटा के लिखेंगे आई और साथ ई एस लगा देंगे। इसी तरह लेडी है तो वाई को हटा के लिखेंगे आई और ई एस लगा देंगे, ठीक है। ये भी हमारा क्या आ गया, कलेक्टिव नाउन, सॉरी प्लूरल नाउन। फिर आते हैं इफ एन नाउन एंड इन वोवल वाई एंड एस, एड एस, ठीक है। वर्ड्स एंडिंग इन क्यू यू वाई डोंट फॉलो दिस रूल। अब कह रहे हैं कि अगर कोई वर्ड जो है वो वाई पे हो रहा है ख़त्म, तो आप उसको आगे एस लगाओगे। पहले बात हो रही थी कंसोनेंट वाई की, अब बात हो रही है वर्बल वाई की, ठीक है। जब कंसोनेंट था तो हमने वाई हटा के आई ई एस, आई लगाया था और ई एस लगाया था, अब वर्बल की बात हो रही है तो हम वाई के साथ ही एस लगा देंगे, यानी ऐसे है उसके साथ एस लगा दिया, एसेज बन गया। मंकी है उसके साथ एस लगाया तो मंकीज बन गया। वोवल्स आपको पता है ए ई आई ओ यूज होते हैं, ठीक है, एंड समटाइम्स वाई, और कॉन्सोनेंट में आ जाते हैं ऑल अदर देन ए ई आई ओ यू, ये साउंड होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, इफ अ नाउन एंड्स इन वोवल वाई, अगर वोवल वाई है एड एस, अच्छा उसके बाद है जी एसेज एंड ये आ गया, ठीक है। फिर हमें एक एग्जाम्पल दीजिए, अगर क्यू यू वाई पर कोई वर्ड एंड हो रहा है तब हम उसके एंड पे एस नहीं लगाएंगे बल्कि आई ई एस लगाएंगे, ठीक है। इसमें तो जी सोलिलोक्वीज, सोलिलोक्वीज कहते हैं जैसे आप जैसे कोई ड्रामा वगैरह देखते हैं, ठीक है, उसमें दिखा रहे होते हैं कि एक बंदा है वो सोच रहा है, ठीक है, लेकिन वो उसकी आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ से सोच रहा है, इसे हम कहते हैं सोलिलोक्वी, ठीक है।
स्लोली की जो है प्लूरल है वो हम करेंगे ऐसे आई ई एस की थ्रू. चलिए जी ये यहाँ तक ख़त्म हो गया. आज हमने पढ़े हैं नाउंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में. कल हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे इसका. चलिए नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम.